Hello children, how are you? Hope you all are fit and fine. Children, today we shall continue our chapter 13, Closing Distance. Okay, children, in this chapter I have explained that man cannot live alone. He needs to communicate with others. And then after we have discussed about communication and its part. First of all, what is communication? Communication means sending and receiving messages. And it says it has two types: verbal communication, talking and telephone, and non-verbal communication, sign language and facial language. Clear, children? So, I hope you all have understood about communication and its type. Okay. Now, children, in this part, we shall discuss about our next para, page number 87. Okay. So, children, let's start. If you have to give a message to someone who is close by, then you can talk to that person. अगर आप को मैसेज देना है किसी अपने को जो हमारे क्लोज होते हैं, तो आप उनसे बोलकर अपनी बात कह सकते हैं. जैसे चिल्ड्रन, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कैसे कहेंगे? बोल के कहेंगे, एंड दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? बट इफ यू हैव टू कॉन्टेक्ट समवन हु इज फार अवे मीन्स बहुत दूर, देन वॉट डू यू डू? अगर आपको किसी से कॉन्टेक्ट करना है जो दूर है, बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे? दैट यू विल राइट हियर. सो चिल्ड्रन, दैट यू विल राइट हियर. सो चिल्ड्रन, आप बताइए कि अगर आप किसी ऐसे को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं जो आपसे बहुत दूर है, तो आप कैसे उसे कॉन्टेक्ट करेंगे? यस, आप टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, लेटर के थ्रू कर सकते हैं, आप लिख के कुछ सेंड कर सकते हैं, है ना? सो जिस वे में आप अपने किसी दूर के रिलेटिव या किसी को कॉन्टेक्ट करते हैं, किस तरह से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपको यहां लिखना है. बाय टेलीफोन, बाय लेटर, बाय पोस्ट, वट एवर. ओके, आपको ये खुद करना है. क्लियर हुआ? द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बींग्स विद अ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे ही राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, मतलब जैसे ही हम लिखना शुरू किए, क्लियर, तो वो ह्यूमन बींग्स को एक और मीन्स, मतलब माध्यम दिया अपनी बात कहने का. जैसे पहले हम सिर्फ बोलना स्टार्ट किए, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब हम पेंटिंग का सहारा लेने लगे, पेंटिंग करने लगे, तो हमें बोलने की भी आर्ट आ गई, लिखने की भी आर्ट आ गई, हम लिखना स्टार्ट कर दिए. और लिखना क्या स्टार्ट किया, अपनी, लिखना भी तो अपनी बात को कहने का एक जरिया है ना? आप देखे होंगे जब आप क्लास में बैठते हैं और टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉपी के पीछे लिखकर अपनी बात को अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, है ना? तो वो भी तो एक मीन्स है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का. क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब कह रहा है, जैसे ही लिखने का इन्वेंशन हुआ, आप अपनी बात को इजिली एक दूसरे से कहने लगे. इट ऑल्सो हेल्प्ड टू शेव द राइटिंग मैटर फॉर जनरेशन टू कम. राइटिंग के इन्वेंशन के बाद, जैसे ही हमने लिखने का इन्वेंशन कर दिया, उसके राइटिंग के इन्वेंशन ने हमारी बहुत ही हेल्प की है बच्चों, कि हम अपने कुछ रिटन मैटर्स को, मतलब ऐसी चीज कि हम कुछ लिखकर उसे फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए सेव कर सकते हैं. जैसे आप देखे होंगे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये क्या है, ये भी तो रिटन में ही है, तभी तो आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, है ना? जैसे वेद है, क्लियर, तो रिटन के माध्यम से हम कुछ भी मैटर को लिखकर अपने आने वाली जनरेशन के लिए सेव करके रख सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट, इट वॉज पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट पीपुल
who were far away by sending messages from one place to another. राइटिंग के इन्वेंशन के ने ये पॉसिबल बनाया कि हम उन लोग से भी कांटेक्ट कर सके जो दूर रहते हैं, मैसेज सेंड करके, लेटर के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जैसे पहले क्या था, टेलीफोन नहीं था, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट, जो हमसे दूर रहते थे उनसे कैसे कांटेक्ट करते थे, लेटर सेंड करते थे, है ना। लेकिन जैसे ही फोन का इन्वेंशन हो गया, जो हमसे दूर है हम लोग इजिली उनसे क्या करते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर लेते हैं, अब तो वीडियो कॉल्स भी चलने लगे हैं, है ना बच्चों। तो राइटिंग के इन्वेंशन ने इजी किया ना हमें कि हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रह सके। यस, इन द बिगनिंग राइटिंग रिटन मैसेजेस वेयर सेंट थ्रू स्पेशली ट्रेंड पीजन एंड हॉर्स राइडर्स। पहले क्या किया जाता था बच्चों, ट्रेंड पीजन मतलब जो ट्रेंड कबूतर होते थे और हॉर्स राइडर होते थे, उनको एक लेटर, रिटन लेटर दे दिया जाता था, और वो क्या करते थे, उस रिटन लेटर को लेकर जहां सेंड करना है वहां वो देकर आते थे। आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, है ना। प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ मेन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनीज, मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस। मैन के लाइफ में प्रोग्रेस हुआ, धीरे धीरे उनके लाइफ में प्रोग्रेस होने लगा, और इससे ये पॉसिबल हुआ कि वो लेटर भेज सके, पार्सल भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, किसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुरियर के थ्रू। आपने भी कभी ना कभी, आपके मम्मी पापा ने किया होगा ना कुरियर वगैरह, जैसे रक्षाबंधन में किसी को गिफ्ट भेजना है तो हम कुरियर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, है ना। वैसे ही लेटर भी। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज अ ह्यूज नेटवर्क दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम। इंडियन पोस्टल सर्विस का बहुत बड़ा नेटवर्क है बच्चों, मीन्स पोस्ट ऑफिस आपके हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो विलेज हो, चाहे सिटी हो, चाहे टाउन हो। इवन आप अपने कॉलोनी में भी देखिए, अपनी जगह जहां आप रहते हैं वहां कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस आपको जरूर मिल जाएगा, जो इजिली हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम, जो ये श्योर करते हैं कि आपका लेटर और आपका मेल टाइमली आपके पास मिल जाएगा या चला जाएगा। क्लियर बच्चों। मैसेजेस आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, अर्जेंट मैसेजेस आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। अर्जेंट मैसेज बच्चों मतलब ऐसा मैसेज जो अचानक हमें सडन मैसेज करना है, या सडन कुछ चीज गिफ्ट करना है, या सडन कुछ भेजना है जो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो हम किसका सहारा लेते हैं, स्पीड पोस्ट का। क्लियर। इंडियन पोस्टल सर्विस टेक्स यू योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स इन योर स्ट्रीट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बिजनेस कॉन्टेक्ट ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल सर्विस आपके लेटर को आपके स्ट्रीट मतलब आप जहां रह रहे हो वहां से लेकर, लेटर बॉक्स से लेकर आपके फ्रेंड और रिलेटिव या बिजनेस कॉन्टेक्ट तक इजिली पहुंचाता है, जो इंडिया में हो चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। क्लियर। मतलब आपके पास से लेकर आप जहां उसे सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो इजिली वहां तक पहुंचा देता है, चाहे वो इंडिया में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। क्लियर। यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग्स इन अ पोस्ट ऑफिस। लेटर के साथ साथ बच्चों आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग भी कर सकते हैं, मीन्स कुछ पैसे भी सेव कर सकते हैं, जैसे आप बैंक में करते हैं ना, वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में भी सेव कर सकते हैं। चिल्ड्रन सी दिस पिक्चर, जर्नी ऑफ अ लेटर। यहाँ पे क्या है, हम पहले लेटर को इस रेड बॉक्स में, लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, फिर ये लेटर पोस्ट ऑफिस जाता है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस का आदमी इसे लेकर उस जगह पहुंचाता है जहां पे आप रह रहे हैं। क्लियर। उस जगह के पोस्ट ऑफिस पे पहुंचाया, ठीक। जैसे आपने इलाहाबाद में अगर पोस्ट किया और आपको सोनभद्र में चाहिए, तो आप क्या करेगा, लेटर आपने इलाहाबाद में उसे पोस्ट कर दिया, फिर वो लेटर सोनभद्र पोस्ट ऑफिस में आ गया, फिर वहां के पोस्टमैन ने उस लेटर को लेकर आपके फ्रेंड रिलेटिव जहां भी आपने भेजा है उसे वहां उसे पहुंचा दिया।
क्लियर, तो जर्नी ऑफ अ लेटर क्लियर हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन। रिटन लेटर इज फन, यू कैन कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। रिटन लेटर बच्चों ये बहुत ही मजेदार होता है, इससे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के टच में रह सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, फूड आइटम्स एंड ड्रेसेस। इससे आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन खोज सकते हैं अलग अलग प्लेस के बारे में, फूड आइटम्स के बारे में, ड्रेस के बारे में और बहुत कुछ। क्लियर। मोर ओवर यू कैन रीड देम एंड एनी नंबर्स ऑफ टाइम। और इससे क्या होगा, आप जब चाहें इसे जितनी बार चाहें इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे कोई रिटन मैसेज है, अगर आपने किसी से बात की तो वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, आप उसे दोबारा जल्दी नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो ये भी इजी बना दिया है, बट पहले क्या होता था, जो रिटन मैसेज होते थे, ठीक, चाहे वो लेटर में हो चाहे मोबाइल में हो, वो सेव रहते थे ताकि आप जब चाहें उसे पढ़ सके, जितनी बार चाहें पढ़ सके, है ना। नाउ सी हियर, डू यू नो इंडियन पोस्टल सर्विस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस इन द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल सर्विस में सबसे ज्यादा पोस्ट बॉक्सेस हैं पूरे दुनिया में। क्लियर। लुक एट द थ्री डिफरेंट कलर लेटर बॉक्स। लुक एट हियर बच्चों, चिल्ड्रन, देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्स बॉक्सेस विच आर मेड हियर। ओके, व्हाट इज ईच वन यूज्ड फॉर। और आपको ये बताना है कि ये किस किस पर्पज से यूज हो सकते हैं, जैसे रेड हुआ, ग्रीन हुआ और ब्लू। ये देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्स लेटर बॉक्सेस एंड नाउ वी हैव टू टेल कि हर किसी का क्या यूज होता है। क्लियर। सो फर्स्ट जो रेड लेटर बॉक्स है वो किसके लिए है, ऑल प्लेसेस लेटर, मतलब इस लेटर बॉक्स में आप जो लेटर डाल देंगे वो दुनिया में कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडिया में करना है या कहीं भी बाहर करना है तो आप रेड लेटर बॉक्स में लेटर सेंड करेंगे। ग्रीन लेटर बॉक्स में जैसे लोकल लेटर्स, मतलब आपको लोकल एरियाज में अगर लेटर भेजना है, जैसे पास के ही सोनभद्र में या जो एरिया, मतलब जो आपके ज्यादा डिस्टेंस पे ना हो, ठीक, तो आप उसके लिए ग्रीन बॉक्स का यूज करेंगे। सॉरी चिल्ड्रन, रेड लेटर बॉक्स इज ओनली फॉर इंडिया, ठीक है, ग्रीन लेटर बॉक्स इज ओनली फॉर लोकल लेटर्स। एंड अगर आपको फॉरेन भेजना है, मतलब इंडिया के बाहर अगर लेटर भेजना है, तो आप ब्लू का यूज करेंगे। लिसन अगेन, अगर रेड लेटर बॉक्स में अगर आप लेटर डालते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन लेटर में लेटर बॉक्स में डालते हैं तो ये लोकल एरियाज के लिए होता है, मतलब आपको लोकल एरियाज में अगर सेंड करना है लेटर तो आप ग्रीन बॉक्स में डालेंगे। और ब्लू लेटर बॉक्स होता है जैसे फॉरेन लेटर्स, मतलब अगर आपको इंडिया के बाहर लेटर भेजना है तो आप ब्लू लेटर बॉक्स का यूज करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन, यू ऑल्सो राइट दिस इन योर बुक, नीट एंड क्लियर। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल टुडे। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 13, क्लोजिंग डिस्टेंस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट रिटन मटेरियल, पोस्ट ऑफिस एंड दीज थ्री लेटर, थ्री कलर लेटर बॉक्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ we will discuss next page in our next video. So that's why for today, that's all. So take care children, bye bye.